स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, दिस इज अंकित जायसवाल, योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस गिवन इन चैप्टर 3। ओके बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 3 जो एक्सरसाइज है आपकी बुक में दी गई है, आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। बच्चों चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं टाइम को। देखिए पहला ही आप जैसा ही पेज नंबर आपको बताऊंगा, आप लोग उसको ध्यान देते रहेंगे, ठीक है ना, और आप लोग फिल कर लेंगे बुक में, और बुक में फिल करने के बाद आप लोग को कॉपी में नोट करना है। सबसे पहले पेज नंबर 42 आप ओपन करेंगे जैसे ही, ठीक ना। एज सून एज यू ओपन द पेज नंबर 42, सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस आता है वो आता है फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइज का, ठीक है। तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हैं। पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर नेटवर्किंग रिक्वायर्स टू आर मोर कंप्यूटर्स अ प्रोटोकॉल एंड द, देखिए जो कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है उसको दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, एक प्रोटोकॉल होता है, दूसरा क्या चीज़ होती है उसको ज़रूरत करने की। तो जो प्रोटोकॉल होता है वो तो आपको पता है, मॉडेम वगैरह रूटर वगैरह यूज करते हैं। दूसरा हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो हार्डवेयर की ज़रूरत होती है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है एक प्रोटोकॉल, दूसरा हार्डवेयर जो होते हैं, उनको दोनों को जब कनेक्ट करते हैं तो ही इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्ट हो पाता है। दूसरा है गेट स्प्रेडेड ऑन नेटवर्क इजली, कौन सी चीज़ है जो नेटवर्क पे बहुत आसानी से फैल जाती है, नेटवर्क पे बहुत आसानी से कौन सी चीज़ फैल जाती है, तो वो होती है वायरस। तो आंसर हो जाएगा वायरसेस, पहले में था हार्डवेयर, दूसरे में वायरसेस। थर्ड में है आ सर्वर शेयर्स द डाटा सॉफ्टवेयर, ये सर्वर होता है वो डाटा शेयर करता है, सॉफ्टवेयर शेयर करता है, और क्या शेयर करता है, तो हार्डवेयर के रिसोर्स को जो है वो शेयर करता है नेटवर्क पे। सर्वर जो होता है वो किस किस का डाटा शेयर करता है, सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का जो रिसोर्स होता है उनको नेटवर्क पे शेयर करता है। अब देखिए वर्क स्टेशंस आर कॉमनली कनेक्टेड टू अ नेट, जो वर्क स्टेशंस होते हैं मैंने आपको बताया वो किससे कनेक्ट होते हैं, वो नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वर्क स्टेशंस जो होते हैं बच्चों वो नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए NIC, जो NIC होता है बच्चों, तो NIC का फुल फॉर्म क्या होता है पहले तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है ना। तो NIC का फुल फॉर्म भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप याद रखेंगे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो फिजिकली मेक्स द कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द नेटवर्क केबल, तो इसका काम क्या होता है NIC का, ठीक है ना। तो NIC का काम जैसा कि नाम से ही मालूम चलता है, इसका काम होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये जो है नेटवर्क को कंप्यूटर से जोड़ देता है, ठीक है ना। नेटवर्क केबल से कंप्यूटर को जोड़ने का काम कौन करता है, NIC करता है, ठीक है ना। तो नेटवर्क केबल और कंप्यूटर के बीच नेटवर्क कनेक्शन को ऐड करने का काम करता है NIC। फिर देखिए होता है NOS, अब देखिए NOS का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो NOS का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करती है आपके कंप्यूटर को, आपके फ़ोन को, आपको टैबलेट को, कि आप उस पर नेटवर्क ऑपरेट कर सकें आप, ठीक है। तो नेटवर्क यानी कि आप उस पर इंटरनेट चला सकें, तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको जिस सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है वो होता है NOS, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर NOS हो जाएगा। फिर देखिए मॉडम, मॉडम क्या है, एक डिवाइस है डैट कैन बी इधर इंटरनल और एक्सटर्नल टू योर कंप्यूटर। तो ये मॉडम ही बहुत बड़ा गेम प्ले करता है आपको कंप्यूटर को, ठीक है, रन करने में, आपके कंप्यूटर पर नेटवर्क का रन करने के लिए ये एक डिवाइस है जो इंटरनल या एक्सटर्नल ऐड किया जाता है, और इसी के द्वारा इंटरनेट भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से और अपने बुक में फिल कर सकते हैं। चलिए आगे, अगला जैसे ही आएंगे वहाँ पे हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स का हमको एक्सरसाइज दिया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेट इज़ अ रेवोल्यूशन फॉर द कंप्यूटर वर्ल्ड, इंटरनेट एक रेवोल्यूशन है कंप्यूटर वर्ल्ड के लिए, क्रांति के रूप में आया हुआ है। तो बिल्कुल इंटरनेट एक क्रांति ही है, इससे पहले कुछ इंटरनेट के ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पहले हमको खुद से करना पड़ता था, अभी इंटरनेट आने से बहुत कुछ हेल्प हम लोग को मिल जाती है। तो ये ऑब्वियस है कि ये एक क्रांति है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज कैन बी सेंट्रली मैनेज्ड, सॉफ्टवेयर को या रिसोर्सेज को हम लोग बहुत ही आधारभूत रूप से मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप मैनेज कर सकते हैं नेटवर्क पे टोपोलॉजीज के अकॉर्डिंग। फिर देखिए सर्वर डज नॉट शेयर डाटा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क, जो सर्वर होता है वो कह रहा है डाटा शेयर नहीं करता, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ा कि ये शेयर करता है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
देखिए, अब वर्क स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, गलत है बच्चों, वर्क स्टेशन ठीक है ना वैन का पार्ट नहीं होता है, तो ये आप उसको फॉल्स लगा देंगे। फिर देखिए एन आई सी प्रोनाउंस्ड एज निक, एन आई सी को हम लोग निक की तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो हाँ ये सही है, एन आई सी को निक्स निक बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं निक ऐसे, ठीक है ना। और इसका मैंने आपको फुल फॉर्म बताया ही है, क्या होगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है ना। फिर देखिए आप लोग मैन जो होता है, मैन स्टेट फॉर मेट्रो एरिया नेटवर्क, मैन तो मैन का फुल फॉर्म बच्चों मेट्रो एरिया नेटवर्क नहीं होता, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटन जो वर्ड है उसको उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया है, इसलिए फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इन बस टॉपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर हैविंग टू गो थ्रू द सर्वर। देखिए जो बस टॉपोलॉजी होती है उसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना, बिना सर्वर के, ठीक है, सही है। आप लोग बस टॉपोलॉजी, टॉपोलॉजी जो मेथड होता है एक दूसरे को कंप्यूटर को कनेक्ट करने का मेथड, तो उसमें हम बिना सर्वर के ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, कैसे, बस टॉपोलॉजी के अगर मेथड से हम चल रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलेंगे हम लोग टिक द करेक्ट आंसर की तरफ। अब बच्चों टिक द करेक्ट आंसर पे जो पहला क्वेश्चन है वो है द कंप्यूटर्स एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रो। जो कंप्यूटर हो या मान लीजिए कंप्यूटर मोबाइल हो, मोबाइल कंप्यूटर हो, कंप्यूटर टैब हो, टीवी हो, कंप्यूटर कुछ भी हो, अगर आपको कनेक्ट करना है तो उसके लिए आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे नेटवर्किंग आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्किंग इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क पर आप क्या शेयर एक्सचेंज करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। थर्ड है यूजर्स कैन एक्सेस देयर फाइल्स फ्रॉम एनी, यूजर्स जो है वो अपने फाइल्स किसी भी वर्क स्टेशन से एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से करते हैं, वर्क स्टेशन से, तो वर्क स्टेशन का काम ही यही होता है कि वहाँ से आप फाइल्स को अपनी एक्सेस कर लें, ठीक है। फिर देखिए लास्ट वाला है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने बताया था फुल फॉर्म आपको, आपको मैंने दो फुल फॉर्म बताए हैं, वो आपको नोट कर लेने हैं। पहला है NIC का निक और दूसरा NOS का, यानी कि NOS का, तो NOS यानी कि NOS का फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ आएंगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं और आपको कॉपी में कैसे इनको नोट डाउन करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्किंग। तो वैसे अगर आपसे कोई पूछ ले नेटवर्किंग क्या है तो आप क्या बताओगे, चलिए बताइए। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई नेटवर्किंग क्या होता है तो जनरली फॉर्म में आप उसका आंसर क्या दोगे, तो नेटवर्किंग बच्चों होता है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। नेटवर्किंग इज लाइक एन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन करा है एक, जिसके जरिए हम लोग घर बैठे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के थ्रू क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपने डेटा को शेयर करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग इसका आंसर आपको देते हैं, आपकी बुक में क्या दिया गया है वो देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप पेज नंबर 41 ओपन करेंगे तो आपका जो मेमोरी टिप्स है उसमें आपको पहला ही दिया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ऑल अबाउट शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क अक्रॉस वायरलेस और वायर्ड टेक्नोलॉजी, तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, आप लोग उससे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं दो कंप्यूटर के बीच में, वो चाहे वायरलेस हो चाहे वायर्ड टेक्नोलॉजी हो, ठीक है ना। आजकल वायरलेस टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, आप जानते हैं मोबाइल वगैरह में, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, आंसर नंबर 1 राइट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ नेटवर्किंग सिस्टम। नेटवर्किंग सिस्टम के क्या क्या फ़ायदे हैं आपके, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। जनरल लोग में आपसे पूछें तो आप फ़ायदे बता सकते हो, है ना। घर बैठे ही कोई भी काम आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं आज, किसके ज़रिए ये हो पा रहा है, तो ये नेटवर्किंग सिस्टम के ही ज़रिए हो पा रहा है। नहीं होता तो आप लोग के पास कैसे, मैं यहाँ से वीडियो डालता हूँ आप लोग वहाँ देख लेते हैं कैसे हो पाता है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम, ठीक है ना। तो चलिए इसका आंसर हम लोग आपको दिखाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, ये देखिए आपका एडवांटेज खुल के आ रहा है कि पेज नंबर किस पे है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग पेज नंबर नोट कर लेंगे, पेज नंबर है बच्चों 36। पेज नंबर 36 पे जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का आपका हेडिंग मिल जाएगा, वहाँ से आपको एडवांटेज देखिए दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 5, 6 एडवांटेज दिए हैं, यू हैव टू राइट एनी 4, मैंने टिक कर दिए हैं 1, 2, 3, 4,
आप कोई भी चार लिख लोगे, एनी फोर आपको राइट कर लेने हैं। सिक्स यहाँ पे एडवांटेज बताए गए हैं, ठीक है ना। तो एनी फोर आपको राइट कर लेने हैं, दैट विल बी एनफ फॉर यू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क। नेटवर्क के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो बच्चों इसको मैंने अलग से सेपरेट राइट कर दिया है आपके लिए, आप देख सकते हैं। ये देखिए आंसर नंबर थ्री यहाँ पे मैंने आपके लिए राइट किया हुआ है। कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क आर सर्वर, वर्क स्टेशन, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि NIC, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि NOS, और नेटवर्क चैनल यानी कि आपका नेटवर्क चैनल। तो ये फाइव आपके हैं, ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क आर, इनको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया रिक्वायर्ड। कह रहा है बताइए कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया की रिक्वायरमेंट होती है जब केबल्स का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है ना। जब केबल का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, तो किस ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए इसके लिए भी मैंने आपको आंसर राइट कर दिया है, ठीक है। यू नीडंट गो फार, है ना, आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आंसर नंबर फोर, आपको सेटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, रेडियो वेव की ज़रूरत पड़ेगी और माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ेगी। ये आप राइट कर सकते हैं, ये सारे बिना केबल के आपके जो है डेटा ट्रांसमिशन का काम करते हैं, ठीक है। फिर देखिए बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल यूज्ड इन नेटवर्किंग, ठीक है ना। आपको बताना है कि डिफरेंट टाइप के केबल्स जो नेटवर्किंग में यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये पेज नंबर आप जैसे ही 37 ओपन करेंगे, कौन सा 37, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको केबल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स आर, तो पहला है आपका ट्विस्टेड पेयर, दूसरा है कॉक्सियल, तीसरा है फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये नहीं लिखना आपको, आपको केबल्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं लिखने हैं, बस आपको उसके टाइप्स लिखने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्विस्टेड पेयर, कॉक्सियल और फाइबर ऑप्टिक्स, ये इतना आपको करना है और फिगर के साथ करना है, ठीक है ना। फिगर के साथ आपको लिख लेना है, इतना काम आपको करना है ये वाला पूरा, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर फाइव हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका है व्हाट इज़ मॉडम, मॉडम क्या होता है। तो चलिए इसका भी आंसर आपको यहाँ पे, ये देखिए अब मॉडम किस पेज नंबर पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मॉडम आपको मिल जाएगा पेज नंबर 38 पे, 38 पे आप जाओगे तो मॉडम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से लेके देखिए द वर्ड मॉडम से लेके आप लोग को टेलीफोन लाइन्स तक लिख लेना है। ये आपका आंसर नंबर सिक्स हो गया, ठीक है। लास्ट में आपका क्वेश्चन पूछता है भाई कि चलिए बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, इसके टाइप्स बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर मैंने राइट कर दिया है, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए आंसर नंबर सेवन है। देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, एक नेटवर्क सेटअप है, ठीक ना, जिसके जरिए क्या होता है हम लोग वर्क स्टेशन या ग्रुप में नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उनके टाइप्स भी दिए गए हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। तो ये है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका चैप्टर थ्री भी फिनिश हो गया, चैप्टर थ्री भी आपका फिनिश होता है आज, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फोर को हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज। आप लोग को ये कॉपी में नोट कर लेना है, कोई भी समस्या, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, जानना है आपको। और बच्चों आप लोग को क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एक्सरसाइज भी कॉपी में नोट डाउन करनी है, ठीक है। आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, आपको बस क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज कराई जा रही है उसको आपको बुक में कॉपी में नोट कर लेना है। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ऑलराइट। तो कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। बाकी के लिए इतना ही, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू सो मच।